हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मनोरमा क्लासेस में आपका पहला लेक्चर होने जा रहा है नीट का। सो बेसिकली आज से मैं अभी एक स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर शेड्यूल, जो कि पूरा बायोलॉजी का चैप्टर हम तीन बार कंप्लीट करने वाले हैं। ये फर्स्ट लेक्चर शेड्यूल है, और अगर आप लोग के अच्छे कमेंट्स मिले और अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं बेसिकली डेली लाइव लेक्चर भी शेड्यूल करने वाला हूँ, जो कि रात को 11 बजे शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद ही फ्री होता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, ज्यादा बात नहीं करते, सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। So, अभी जो लोग ऐसे ड्रॉप लेने वाले हैं या हमें एक साल के लिए नीट के प्रिपेयर के लिए टाइम है, अभी एक साल, वो उनके लिए भी लेक्चर है। जो 11th में से ही स्टार्ट करने वाले हैं तो उनके लिए भी लेक्चर है। इंट्रोडक्शन पार्ट में किसी और लेक्चर में कवर करूंगा, ये फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 11th का फर्स्ट चैप्टर और हमारे एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में शुरू करने जा रहा हूँ। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर विच इज लिविंग वर्ल्ड। बहुत सिंपल सी बात है, चैप्टर का नाम क्या है? लिविंग वर्ल्ड। मैं आज आपको एक बहुत जेन्युइन बात बताने जा रहा हूँ। देखो, कोई भी बच्चा अगर सेल्फ ड्रिवन है ना, अगर उसे पढ़ना है तो एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो बायोलॉजी की, तो आपको लिटरली लगेगा कि जो चैप्टर्स लिखे गए वो आपसे बात कर रहे हैं। और आप देखोगे चैप्टर्स के जो भी शेड्यूल है ना, वो कैसे हो रहे हैं। पहला चैप्टर क्या है? लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में क्या सिखाया जाएगा कि भाई हम कैसे पहचान सकते हैं ये जो टेबल रखा हुआ है, ये नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूँ। चलो आप लोग सोचो, आप अगर आपको दो चीजें मिल रही हैं, आप बचपन से पढ़े हो लिविंग नॉन लिविंग के डेफिनेशंस पढ़े हो, मुझे बताओ अगर आपको पता करना हो कि भाई ये नॉन लिविंग है मैं लिविंग हूँ, तो आप कैसे बताओगे? तो आपके मन में बहुत सारे आंसर आएंगे। दो मिनट में सोचो, दैट मीन्स हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। अब आप वो सोचो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमें पता चलता है कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में। ओके, सो फर्स्ट, जो फर्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, पहली बात जो आप देखते हो, बोलोगे सर आप कैसे बताओगे कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, तो आप बोलोगे सर आप ग्रोथ कर रहे हो, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ है। बहुत सारी चीजें होती है, हम एक एक कैरेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। अब ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ बोलोगे सर आप बढ़ रहे हो, ठीक है ग्रोथ है, क्या मैं हमेशा बढ़ता रहूंगा, नहीं बढ़ूंगा। तो ग्रोथ का अगर मैं डेफिनेशन आपको बोलूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या मैं अभी ग्रोथ कर रहा हूं? ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है मेरी हाइट नहीं बढ़ रही हो, या मेरा जो वेट हो काफी दिनों से एग्जैक्ट सेम वेट चल रहा हो, बट ये जरूरी नहीं कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा। मेरा ग्रोथ हो रहा है, बट कैसा ग्रोथ हो रहा है? इंटरनली ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ मतलब, कभी भी वर्ड अगर आपको ग्रोथ आएगा, इसका मतलब होता है सेल डिवीजन। मेरे बॉडी के अंदर रोज हजारों सेल्स बनते हैं, हजारों सेल्स नए बनते हैं स्किन के सेल्स। जब आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जब आप सो के उठते हो तो हजारों सेल्स शेड अवे होते हैं, हजारों सेल्स शेड अवे होते हैं, और हजारों सेल्स, हजारों में बहुत कम बोल रहा हूँ, बिलियंस ऑफ सेल्स आप अपने बेड पे शेड अवे करके उठते हो और नए बिलियंस ऑफ सेल्स आपके स्किन सेल्स फॉर्म होते हैं। इन शॉर्ट आप इंटरनली ग्रो कर रहे हो, आपके सेल्स डिवाइड कर रहे हो, सेल डिवीजन। तो आपको पहली चीज याद रखना है कि ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन, ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन। क्लियर है, कोई डाउट है? अब ग्रोथ दो टर्म्स में होता है। अब मेरे अंदर तो मान लो ग्रोथ हो रहा है, इस दुनिया के सारे लिविंग बींग कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं वही कि सारे लिविंग बींग परफॉर्म करते हैं, लिविंग बींग में होना चाहिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बींग परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, कोई अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाला, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशन सुना है आप लोगों ने, अगर आप 10 से आए हो तो मे भी नहीं सुन रहे हो, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो, बाद में सेल चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है। अगर कोई लाइफ है जो सिर्फ सिंगल सेल पर डिपेंड है, जैसे अमीबा पैरामीशन, क्या उसमें ग्रोथ कैसे होगा? क्या वो ग्रो करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर लिविंग बीइंग है तो वो भी ग्रोथ शो करेगा, बट कैसे ग्रोथ करेगा? अभी मैंने बताया कोई भी चीज अगर सेल डिवीजन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? ग्रोथ। तो अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जिन्हें बहुत ध्यान से सुना है यहां पर, ये एक सेल था, अब ये यूनिसेलुलर है तो ये क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। अगर इसने सेल डिवीजन किया, यहाँ पर सेल डिवाइड हुआ और क्या बन गए? दो सेल बन गए। मुझे बताओ क्या ये ग्रोथ कर रहा है? अभी मैंने जस्ट बताया कि कहीं पर भी सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है। दैट मींस
ये भी क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर्स बढ़ रहे हैं, इनका ग्रोथ कैसा हो रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। हमारा ग्रोथ कैसा होता है, मेरा इंटरनली ग्रोथ हो रहा है, मेरा मास बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो ग्रोथ के डेफिनेशन में आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों चीजें याद रखो, एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में पूछा भी गया है, ये दोनों को हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। यहां तक समझा, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जैसे कि अभी जस्ट हमने बात किया, तो यहां पर क्या हुआ है, सेल डिवीजन हुआ है, मतलब ग्रोथ हुआ है। यहां पर क्या हुआ है, सेल डिवीजन हुआ है, मतलब ग्रोथ हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको यहां पर कुछ और दिख रहा है, हिंट देता हूं आपको। मान लो ये पैरेंट अमीबा था, ये क्या था, पैरेंट अमीबा था। आप बोल रहे सर ने बोला सेल डिवीजन हुआ, मतलब इसमें ग्रोथ हो रहा है, आया ना, ठीक है, हो रहा है। तो अगर ये पैरेंट अमीबा है, इसने डिवाइड किया और दो डॉटर अमीबा बन गए, यहां पर क्या बन गए, दो डॉटर अमीबा बन गए। तो मुझे बताओ यहां पर पैरेंट से दो डॉटर बन रहे हैं, यहां पर कुछ और दिख रहा है आपको, यस किया मतलब ने सही गेस किया होगा, हो सकता नहीं गेस किया होगा, तो कोई बात नहीं, यहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहां पर एक और चीज, तो सवाल ये उठता है सर बोलेंगे क्या, अगर यहां पर ग्रोथ भी हो रहा है, यहां पर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे क्या। तो बेसिकली एक चीज याद रखना है, दुनिया के सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ में होते हैं। हम नहीं बोल सकते कि यहां ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन, इसीलिए दोनों को वहां पर सिनोनिमस बोलते हैं। तो यहां पर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। ये टीएन समझता है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस मतलब सेम है, किसमें सेम है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। प्लस यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ तो हो रहा है क्योंकि ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन होता है, तो अगर यहां ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है, साथ में हो रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं ग्रोथ, एक साथ अगर हो रहा है तो म्यूचुअली इंक्लूसिव यूनिट। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव यूनिट। व्हाट इज म्यूचुअली, म्यूचुअली मतलब साथ में हो रहा है, एक साथ हो रहा है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों चीजें साथ हो रही है, तो आर म्यूचुअली इंक्लूसिव यूनिट। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें ग्रोथ कैसा होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ में हो रहा है? हाँ, अगर मान लो यहां के मेरे सेल्स स्किन से डिवाइड हो, तो ऐसा होगा क्या, नए अभिषेक सर आ जाएंगे? नहीं होगा ना। तो यहां पर अलग अलग इवेंट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग होते हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहां तक कोई डाउट है? तो डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मान लो ये जो टेबल रखा हुआ है यहाँ पर जो भी है, या ये नॉन लिविंग, ये बोर्ड जो है नॉन लिविंग है, मैं लिविंग, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब क्या ग्रोथ के, सिर्फ एक ग्रोथ कैरेक्टर से बता सकते, डिफाइन कर सकते हो कि मैं लिविंग हूं या नॉन लिविंग है? डिफाइन क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? अगर डिफाइनिंग नहीं समझ रहे, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हम उसी कैरेक्टर को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे जो दुनिया के सारे लिविंग बींग परफॉर्म करते हो और नॉन लिविंग परफॉर्म नहीं करते हो। अगर ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम डिफाइनिंग बोलेंगे। तो पहला मैं पूछ रहा हूं, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? आपको लग रहा होगा हाँ, लेकिन ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? चलो ठीक है, मैं ग्रो कर रहा हूं, दुनिया के सारे लिविंग बींग ग्रो करते हैं, हाँ ग्रो करते हैं, तभी तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पता है आप लोगों को, दिख दिख क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है ना। तो अगर माउंट एवरेस्ट ग्रो कर रहा है तो वो तो नॉन लिविंग हुआ,
या फिर कहीं पर सैंड एक्यूमुलेट हो रहा है, जैसे विंड आ रहा है, सैंड एक्यूमुलेट हो रहा है, वहां पर ग्रोथ हो रहा है तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये एक नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। क्यों है? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शोज ग्रोथ, ऑल्सो शो ग्रोथ। बस फर्क इतना है, नॉन लिविंग थिंग्स में कैसा ग्रोथ होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, हमें जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है। तो याद रखना, इनका जो भी ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, और हमें जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है, हमें जो होता है वो इंटरनल ग्रोथ है। जैसे यहाँ पर इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, इंट्रिंसिक ग्रोथ भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी बोलते हैं, एक ही चीज है। सो पहला कैरेक्टर हमारा कंप्लीट हुआ, ग्रोथ। इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा? ओके, नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमने आ रहा है रिप्रोडक्शन। चलो, मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? सोचो, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था? नहीं। तो अभी मैं पूछ रहा हूं, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? अब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बोला था? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक वो होता है जो दुनिया के सारे लिविंग बींग परफॉर्म करते हो बट नॉन लिविंग बींग परफॉर्म नहीं करते हो, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो बताओ, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? सोचो, हो सकता है क्या आप लोग को लगेगा कि हाँ ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा, लेकिन ये नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब सवाल उठता है, क्यों नहीं है भाई? अगर ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता तो नरेंद्र मोदी जी लिविंग होते क्या? क्या और रिप्रोडक्शन कर रहे क्या? ऑब्वियसली बात है, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शादी नहीं कर सकते हैं मे बी, बट देयर आर मेनी इनफर्टाइल कपल्स, ह्यूमन कपल्स हैं जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो अगर ये डिफाइनिंग होता तो वो नॉन लिविंग बींग हो जाते हैं। फिर बहुत सारे हाइब्रिड एनिमल्स हैं, हाइब्रिड एनिमल्स आपने सुना होगा, लाइगर है, फिर उसके बाद मैं लाइगर बोल रहा हूँ, लॉयर और टाइगर को जो मर्ज करके बनाया गया, प्रोड्यूस करके, तो लाइगर बनता है। म्यूल्स हैं, स्टराइल वर्कर बीज हैं, ये सारे भी क्या हैं? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसमें एक्सेप्शन है। तो कौन कौन से एक्सेप्शन है? बहुत सारे हैं, जैसे म्यूल्स हैं, स्टराइल वर्कर बीज हैं, बीज में सिर्फ क्वीन रिप्रोड्यूस करती है, बाकी के बीज नहीं करते, तो स्टराइल वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, तो ये सब भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए ये एक नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक और एटसेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, तो ग्रोथ हमने पढ़ा, वो भी नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था, रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, वो भी नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था, तीसरा है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? देखो, जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछा रहा हूँ कि आप क्या देखकर बताओगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में हो रही है बट इस बोर्ड के बॉडी में नहीं हो रही है। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप देखकर बता सकते हो कि सर ये नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूँ, क्योंकि इसकी बॉडी ये सारी चीजें परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसको हम अलग अलग नहीं लिखते, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे डाइजेशन बोल रहे, डाइजेशन होता क्या है? आपने चावल खाया, चावल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो जाके फिर स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में। ये क्या है? हमारा डाइजेशन प्रोसेस, कि आपने खाया और वो यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होता है, सलाइवा ब्रेक करता है, बाद में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, फिर हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, एल्वियोलाई क्या करता है, ब्लड में डिजॉल्व करता है, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? एटीपी, हमारे बॉडी में एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, तो ये रिएक्शन हो रहा है। ये सारे रिएक्शन, डाइजेशन, एक्सप्रेशन, रेस्पिरेशन, जो भी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है वो सारे रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में आते हैं। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म है क्या? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अवर बॉडी, इतना समझा। चलो नेक्स्ट, तो कैसे कैसे रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। अब क्या होता है कैटाबॉलिज्म और क्या होता है एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में आपने क्या खाया, चावल खाया, चावल क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, चावल खाया, चावल किसमें ब्रेक हुआ, ग्लूकोज में, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक हुआ, तो यहाँ ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की जितनी जरूरत थी एटीपी बना, जो नहीं जरूरत थी जो ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया बॉडी ने, तो क्या किया, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐड किया, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैटाबॉलिज्म है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ये दोनों टाइप के रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है। कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, एनाबॉलिज्म क्या है, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बात करूं कैटाबॉलिज्म की, तो यहां ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, क्योंकि यहां चीजें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एनाबॉलिज्म में ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। चलो अब मुझे बताओ क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? जी हाँ, मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैं आपको सवाल देता हूं, मानो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आप ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करा के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो आप कहां पर करवा रहे हो, टेस्ट ट्यूब में। आज इतनी एडवांसमेंट है हमारी साइंस में कि हम ये रिएक्शंस टेस्ट ट्यूब में करवा सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है वो लीविंग बीम हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं है। तो क्या बोलते हैं उसको? तो अगर लैब में हम मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, अगर हम लैब में मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं उसको हम बोलते हैं इन विट्रो मेटाबॉलिज्म। अगर हम लैब में मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है वो लीविंग बीइंग नहीं है ना, वो नॉन लीविंग, वो एक लीविंग रिएक्शन है, हम उसके अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो एक लीविंग रिएक्शन है। दुनिया के सारे लीविंग बीइंग मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, नॉन लीविंग बीइंग परफॉर्म नहीं करते, इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको याद रखना, पहला डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मिल गया जिससे लाइफ क्या होती है डिफाइन होती है, और वो है मेटाबॉलिज्म। कोई डाउट है? सॉरी। सो ये हमारा हो गया, आपको नोट डाउन करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट, अब और सोचो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग बीइंग में होता है, कोई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छा सा बताओ आप लोग, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है। चलो बहुत इजी है, हमारी बॉडी किसकी बनी है, लिविंग, जो सिर्फ लिविंग में पाई जाती है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा फोर्थ है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? ऑब्वियसली बात है ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? बिकॉज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दुनिया के सारे लिविंग बीइंग सेल से बने हैं, इसलिए ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। इजी, कोई डाउट है इसमें? क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इजी,
तो अब तक हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं? हमने ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, ग्रोथ भी क्या था, नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या था, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, ठीक है। फिर हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, रिप्रोडक्शन भी जो था वो नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था, क्यों? क्योंकि न्यू सर्वाइवल पर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये भी क्या कर रहे थे, रिप्रोड्यूस कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि दुनिया के सारे लिविंग थिंग क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के सारे लिविंग थिंग सेल के बने, तो सेल भी क्या है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। तो बताओ क्या कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? सोचो क्या कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? होता क्या है कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या होता है? अगर मान लो आपके घर पे इस वक्त एसी का टेम्परेचर का ज्यादा, जैसे मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि फैन बंद है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी एनवायरमेंट सराउंडिंग में सेंस हो रहा है वो फील कर रहा हूँ। आप भी घर पे बैठे हो, हो सकता है आपको ठंडी लग रही हो या गर्मी लग रही हो, तो आप फील कर रहे हो। अगर आपको पापा आके दो थप्पड़ मार दिया, आपको चोट लगेगी, लगेगी ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीजों को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, या गर्म तवे पे हाथ रखो, रिफ्लेक्स एक्शन होगा, तुरंत हाथ हटाओगे क्योंकि वहां का टेम्परेचर सेल बड़ा, सेल क्या होगा, लेकिन डैमेज होगी, तो बात की बात है। सिंपल, कोई भी लिविंग बीइंग रेस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, उसको इन कॉन्शियसनेस, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो ये है क्या, रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? बहुत इजी सवाल है कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। दुनिया के सारे लिविंग बीइंग रेस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी लिविंग बीइंग है वो रेस्पॉन्ड करता है। अभी आप बोलोगे सर प्लांट कहाँ करता है? जी हाँ प्लांट बिल्कुल करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहाँ पर प्लांट्स को म्यूजिक से भी दिया गया, जैसे जैज म्यूजिक। आप एक प्लांट हो, आप एक काम करो, आपके हॉल में एक प्लांट रखो और आपके प्लांट एक बेडरूम में रखो। आप हॉल में जाओ और वो प्लांट को बुरा बड़ा रोज बोलो, और वही आप अपने बेडरूम में जाओ और जो दूसरा प्लांट आपने लगाया है उससे अच्छी अच्छी बातें करो, उसको अप्रिशिएट करो, अच्छी अच्छी चीजें बोलो, पॉजिटिव चीजें बोलो। आप देखोगे आपके बेडरूम वाला प्लांट वो फास्ट ग्रो करेगा, जबकि आप न्यूट्रिशन दोनों को सेम प्रोवाइड कर रहे हो। क्यों? बिकॉज दे ऑल्सो रेस्पॉन्ड। इवन अमेजन के फॉरेस्ट में ऐसे बहुत सारे रिसर्च देखे गए हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि प्लांट्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हाँ अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट अगर आप रिसर्च पेपर देखने जाओगे तो प्लांट्स भी कम्युनिकेट करते हैं। अभी नर्वस सिस्टम हमने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ोगे भी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर है, उस पर कभी डिस्कस करेंगे वो फैक्ट्स के ऊपर। अभी इतना है आपको, दुनिया का कोई भी लिविंग बींग वो रेस्पॉन्ड करता है। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन सबसे सेल्फ कॉन्शियस होता है, ह्यूमन सबसे सेल्फ कॉन्शियस होता है। अभी हम इंसान दुनिया में देखे बहुत सारे जानवर हैं, किसी ने सोचा भाई स्काई ब्लू क्यों है, किसी ने सोचा भाई ये कैरेक्टरिस्टिक से लिविंग बींग को नॉन लिविंग बींग को पता चल करते हैं? नहीं ना, एक हम ह्यूमन बींग है जो इतने सारे क्या है सेल्फ, हमने हम ये हो गए जागरूक कि हमें पता करने हम निकल चुके हर चीज। तो बेसिकली हम सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, और भी बहुत सारे रीजन है। आप देखोगे अगर आपको मैं कमरे में बंद कर दो और एक डॉग पे कमरे में बंद कर दो 3 दिन के लिए, पानी वगैरह कुछ ना दो, आप जैसे ही 3 दिन बाद बाहर आओ तो आपके सामने सीवेज वाटर होगा, क्या आप लोग पियोगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं पियोगे, आप दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढोगे। लेकिन जो डॉग आएगा वो क्या होगा, वो तुरंत वो पानी पीलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी समझ नहीं है। तो ह्यूमन सबसे सेल्फ कॉन्शियस है, और कॉन्शियसनेस ये क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा। एनसीईआरटी में एक चीज मेंशन है, मैं आपको वो सवाल पूछता हूं, ये सवाल आप लोग मुझे जवाब दोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ब्रेन डेड पेशेंट है, ब्रेन डेड, ब्रेन डेड मतलब वो कुछ भी फील नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्शियसनेस समझ लो, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसको पेन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी, क्योंकि ब्रेन डेड है समझ जाओ। उसके मान लो सारे ऑर्गन्स भी मशीन से ऑपरेट हो रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? सब बोलोगे लिविंग ही है, क्योंकि लिविंग नहीं होता तो हॉस्पिटल वाले कब का उसे बाहर उठा के फेंक दिया होता, तो ये लिविंग तो है, लेकिन मुझे रीजन बताओ ये कॉन्शियसनेस शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा।
ये आपको बताना है और क्यों लिविंग है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो देखकर आप बता पा रहे हो कि ये लिविंग है। सो ये आपको होमवर्क रहेगा, ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बता सकते हैं।